स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एसआरकेपी कॉमन पीजी कॉलेज किशनगढ़। आज हम जो पुराना टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके आगे वाली चीज़ें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने देखा कि किस तरीके से उसको यूज़ किया गया कोरिया वॉर में और उसके बाद में खाड़ी गल्फ क्राइसिस के समय में उसको किस तरीके से यूज़ किया गया। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से महासभा को शक्तियाँ प्राप्त हुई इस सिद्धांत के संदर्भ में, यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन के माध्यम से। अब हम देखेंगे जो प्रतिबंध की कूटनीति है वो डैग हमरशॉल्ड ने, मास के यूएन के थे डैग हमरशॉल्ड जनरल थे, उन्होंने 1956 में स्वेज क्राइसिस के समय इसका आविष्कार किया और फिर बार बार उसका सफल प्रयोग बाद के सालों में हुआ। यहाँ मास्टिव यह प्रयत्न करता है कि यूएन की सहायता से रोकथाम करके युद्ध की स्थिति को शांति की स्थिति में लाया जाए। इसके लिए ट्रॉय का प्रस्ताव बहुत इम्पॉर्टेंट है। डैग हमरशॉल्ड ने प्रतिबंध की कूटनीति को आविष्कृत करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन जब 1960 में कोंगो में गृह युद्ध छिड़ा तो उसमें जो डैग हमरशॉल्ड ने भूमिका निभाई वो बहुत ही विवादों के घेरे में थी और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया डैग हमरशॉल्ड के ऊपर कि वो यूएन के गुट से मिले हुए हैं और वो अमेरिकी गुट से मिले हुए हैं। और उसके बाद में देखेंगे हम कटंगा प्रांत में विद्रोह हो गया और वहाँ के नेता शोबेंगे ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस गृह युद्ध में जो कॉन्गो में गृह युद्ध हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर लुम्बा की उसमें हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया और इसके कारण से जो वहाँ डेवलपमेंट हुए और डैग हमरशॉल्ड के ऊपर ये आरोप लगा कि वो यूएन के अमेरिका की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसकी क्रिटिसिज्म सोवियत संघ के नेता थे क्रुश्चोव, उन्होंने भी उनको झेलना पड़ा डैग हमरशॉल्ड को क्रुश्चोव का। और क्रुश्चोव ने ये प्रस्ताव दिया क्योंकि क्रुश्चोव ये मान रहे थे कि वो अमेरिका के इशारे पर कार्य कर रहे हैं डैग हमरशॉल्ड, तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि तीन महासचिव होने चाहिए, एक अमेरिकी गुट का, एक सोवियत गुट का और एक गुट निरपेक्ष देशों का। लेकिन ये सुझाव माना नहीं गया और अनफॉर्चुनेटली जब कॉन्गो क्राइसिस के समय ही डैग हमरशॉल्ड की 1961 में एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको हम देखते हैं कि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी एक भूमिका है। और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का ये दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखे। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और आज के समय में 10 और अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें हर 2 वर्ष के बाद में महासभा चुनती है। सुरक्षा परिषद में विवाद के बाद जब निर्णय होता है तो उसके कम से कम 9 मत होने चाहिए और जिसमें कम से कम 1 वोट स्थायी सदस्य का भी होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिला हुआ है। यह वीटो पावर का यह निर्णय याल्टा सम्मेलन में हुआ था 1945 में, जहां यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल तथा सोवियत नेता स्टालिन मौजूद थे। हर स्थायी सदस्य को ये अधिकार है कि वो प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट देकर निर्णय को रोक दे, लेकिन यह प्रस्ताव प्रावधान उन्हीं विषयों पर लागू होता है जो प्रक्रिया संबंधी नहीं हो। लेकिन अगर ये प्रश्न पैदा हो जाए कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं, तो उस पर भी कोई स्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसको दोहरा वीटो भी कहा जाता है। चार्टर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु एक कन्वेंशन बन गया है, समय के साथ साथ ही इसका निर्माण हो गया है। सुरक्षा परिषद किसी अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करके निर्णय ले सकती है, जैसे किसी नए देश को यूएन का सदस्य बनाना, यूएन के वार्षिक बजट को स्वीकार करना, चार्टर में कोई संशोधन करना, महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जजों का चुनाव इत्यादि। ये विवाद का विषय है कि वीटो का प्रावधान हो या नहीं हो, और ये प्रावधान एक सेंस में अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इससे 5 बड़े देशों को ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं।
लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा सर्वोपरि होती है, लेकिन इसके पक्ष में ये भी कहा जा सकता है कि ये होना आवश्यक है, क्योंकि जिनके पास ताकत है, जिन देशों के पास में पावर है, वो ही कहीं ना कहीं अगर आक्रामक देश को रोकना है तो वो उनकी ताकत का या उनकी शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये व्यवस्था पांच बड़ी शक्तियों की सहमति का प्रतीक है। यदि उसमें सहमति होगी तो विश्वयुद्ध नहीं होगा, और अन्यथा वही दशा आ जाएगी जिसके कारण की लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया था। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत को। कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत उस सेंस में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि आज के समय में कोई भी देश, हम देखेंगे कि ट्रेडिशनली तरीके से वॉर करना आजकल बहुत महंगा पड़ता है और कोई भी देश उसको करना भी नहीं चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो निश्चित रूप से जो आक्रांता देश है, जिसने कि अनावश्यक रूप से किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने की कोशिश की है, तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत उस समय छोटे देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।